जो एपी पढ़ना स्टार्ट की थी हमने, जिसमें एपी की बेसिक कंसेप्ट, बेसिक एपी का पढ़ लिया था। उसके अलावा इसके फॉर्मूले, जितने भी मेन मेन क्या फॉर्मूले पढ़े थे, कि एपी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए ए प्लस डी, ए प्लस 2D, और इस तरह से ये सीरीज चलती है, ठीक है। उसके अलावा एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने AN, जिसमें ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये AN का फॉर्मूला है जो पढ़ चुके हैं। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था SN का, SN का फॉर्मूला था एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे बेसिक कंसेप्ट में। 5.1 के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली नंबर 5.2, ठीक है। तो 5.2 ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए, जहाँ एपी का प्रथम पद ए, ये सब लिखवा दिया था ये पहले ही, कि ये ए प्रथम पद होता है, डी सार्वांतर होता है, ये एन वा पद होता है, और एन होती है पदों की संख्या, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें वापस से लिखी हैं। उसके बाद एक सारणी बनी हुई है, ये इस सारणी में देखो कि ये सारणी है, इसके अंदर ये क्वेश्चंस हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इसको। अब इसमें चार मान हैं, ए डी एन और ए एन, ठीक है। जैसे फर्स्ट को ही देखते हैं, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कि इसमें ए इक्वल टू है 7, डी इक्वल टू है 3, एन इक्वल टू 8, एंड ए एन का कॉलम खाली है, मीन्स ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। ऐसे ही इसके ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, कि इनमें चार में से कोई एक कॉलम खाली है, कि ये चार टर्म्स यूज़ हुई हैं, चार टर्म्स में से तीन टर्म्स तो इस सारणी के अंदर हैं, और एक टर्म हमको फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, जैसे ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, लिख लिए हमने क्या क्या दिया हुआ है। उसके अलावा अब हमको ये फॉर्मूला यूज़ लेना है 5.2 में। इस 5.2 कंप्लीट जो एक्सरसाइज है, उसमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला काम आएगा हमारे, ठीक है। देखो कैसे यूज़ करेंगे इसको। तो ये ए एन है, ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन की ही वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी ए दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, और डी भी दिया हुआ है, ठीक है। मान रख देंगे इनके, तो ए की वैल्यू है 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू है 3। इसको सरल करेंगे तो ये 7 प्लस ये 7 हो गए 7 इंटू 3। फिर वापस से अब ये 7 7 ऐड नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गए 21, और इसको ऐड करेंगे तो आंसर आया 28। तो ए एन की वैल्यू आ गई 28। तो ये हमारा इसका जो आंसर है वो आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही हमको आगे, जैसे सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं इसका, उनमें से अब कोई सा भी एक कर सकते हैं, कि सेकंड हम कर लेंगे तो फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, एक ही फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। देखो कैसे करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ए की वैल्यू लिखी हुई है -18, तो लिख लेंगे इसको, और इसमें डी की वैल्यू वाला कॉलम क्या है, खाली है, तो इसको छोड़ देंगे। एन की वैल्यू 10 और ए एन की वैल्यू है 0, ठीक है। तो सरल करते हैं, तो ये हमने लिख लिया कि ए की वैल्यू है -18, डी हमको फाइंड करना है, एन बराबर 10 और ए एन बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमको वही लगाना है हर बार, कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। रख देंगे, अब की बार हमारे पास ए एन की वैल्यू भी है तो इसको भी रख देंगे। ए की वैल्यू है -18 प्लस एन की वैल्यू है 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो जिसकी वैल्यू नहीं है उस टर्म को हम वैसा का वैसा छोड़ देते हैं, ठीक है। देखो अब सरल करेंगे इसको, पहले ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये 0 बराबर -18 प्लस ये 10 में से 1 गया, 9 बचा, तो ये बच गए 9 डी,
ठीक है, अब इस और सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। इट इम्प्लाइज़ ये 18 इधर ले आएंगे तो ये बन जाएंगे माइनस के 18 बराबर 9, सॉरी माइनस का पहले से इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो ये 18 बराबर 9d। ठीक है, अभी किसकी वैल्यू चाहिए? डी की। तो डी की वैल्यू चाहिए, इस 9 को हटाएंगे यहाँ से। ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाली चीज़ को जैसे ही हम बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो हमेशा डिवाइड में जाती है। कि समीकरण जो सॉल्व करने का तरीका है कि समीकरण में से हम जब भी कोई संख्या को इधर से उधर भेजते हैं तो प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में, गुणा वाली भाग में और भाग वाली गुणा में, इस तरह पक्षांतरण होता है संख्याओं का। तो इस तरह हम इसको भेजेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके हो जाएगी ये इसके डिवाइड में। तो 18/9 टू टाइम्स डिवाइड होगा तो इट इम्प्लाइज डी इक्वल टू 2। तो ये 2 की वैल्यू आई, डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस टाइप से हम इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये सारणी सॉल्व कर सकते हैं पूरी, तो इजी है इसको सॉल्व करना। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, मीन्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है पूरा प्रॉपर तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है जैसे है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है AP बराबर 10.7.4, इसका कौन सा पद फाइंड करना है? 30वां पद। देखो पहली बात तो जब श्रेणी लिखी हुई होती है तब क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट AP लिखी हुई है तो पहले AP लिख देंगे कि AP बराबर क्या है, 10.7.4 और ऐसे डॉट डॉट, कौन सा पद चाहिए हमको? 30वां पद। तो 30वां पद हमको चाहिए इसका। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। पहले AP लिखी हुई है, पहले हमको जो 4 या 5 टर्म्स हैं हमारे पास इस AP में जो हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे कि क्या क्या हमको दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा है। देखो तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद को A से लिखते हैं और इसकी वैल्यू है कितनी? 10, ये फर्स्ट में लिखा हुआ है। सेकंड हमको चाहिए क्या? सारवंतर, सारवंतर चाहिए, सारवंतर को लिखते हैं D से और सारवंतर निकलता है A2-A1 करके, मीन्स सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला पद घटा देंगे। तो सेकंड वाला है 7 और फर्स्ट वाला है 10। अब 10 में से 7 गए तो 10 में से 7 तो नहीं जा सकते, घटाने का क्या तरीका होता है? हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या घटती है और चिन्ह लगता है बड़ी वाली संख्या के साथ वाला। ठीक है, जब भी एक संख्या प्लस की और एक माइनस की होती है तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे? जो बड़ी संख्या के साथ है। ठीक है, सब संख्याओं में यही रूल लगता है। तो ये डी हो गया। अब कौन सा पद पूछा है, कौन सा? तो एक तो है पदों की संख्या और एक है कौन सा पद, तो ये दो चीज़ें समझने की है। पदों की संख्या होती है n, तो n की वैल्यू तो क्या दी हुई है हमको? 30, क्योंकि कौन से नंबर वाला पद चाहिए? 30 नंबर वाला, और वो पद चाहिए हमको, मीन्स उसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो तो मीन्स क्या नहीं है हमारे पास? हमारे पास नहीं है an की वैल्यू, तो ये an भी ली, a30 लिख सकते हैं हम कि a30 की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो एक फॉर्मूला है हमारा फिक्स कि ये फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a+n-1 × d, लिख दिया an की वैल्यू चाहिए, a की जगह क्या लिख देंगे n की जगह? 30, क्योंकि 30 नंबर वाला जो टर्म्स है वो 30 नंबर वाली जो टर्म है वो हमको चाहिए। ठीक है, a की वैल्यू है 10 प्लस n की वैल्यू 30-1 और मल्टीप्लाइड बाय -3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो d की वैल्यू इस बार माइनस में है। देखो 10 प्लस ये बचे
29, और ये गुणा होगा किससे, माइनस के 3 से। अब दोनों संख्याएं हैं इसलिए गुणा का निशान लगा सकते हैं। गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे, देखो ये तो 10 का 10, और पहले इस गुणा को सॉल्व करते हैं तो ये 9 × 27। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस, कि एक प्लस वाली और एक माइनस वाली संख्या को गुणा करते हैं तो चिन्ह आता है माइनस का। तो ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, तो ये 27 × 7, और 3 × 2 = 6 और 2 = 8। तो ये आ गए माइनस के 87, प्लस का 10 और माइनस का 87। ठीक है, सॉल्व कैसे होगा, घट जाएंगे, एक प्लस किए एक माइनस किए तो घटेंगी, तो आंसर बचेगा माइनस का 77। ठीक है, 10 घट जाएंगे इसमें से, तो ए 30 की वैल्यू आ गई है। अब देखो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप था, ऑप्शंस लिखे हुए हैं इसके पहले से। अब ये ऑप्शन में हम चेक करेंगे, हमारा आंसर आया था माइनस का 77। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 97, 77, −77 और −87। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर सी। इसी टाइप से हम ये वाले भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो आगे चलते हैं, तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है, इसको भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं, और वही an वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है हमको। तो पहले तो नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो वीडियो को पॉज करके और फिर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 4। सेम टाइप के क्वेश्चन एक बार ले लेते हैं हम सारे, कि ये सीरीज़ है, देखो पास से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि ये सीरीज़ है 3, 8 और ये 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, ये पहला पद दिया हुआ है, पहला पद है 3, सार्वंतर निकाल लेंगे 8 में से 3 घटा के और 5 आ जाएगा, और an इसमें कौन सा पद। तो देखो ये क्वेश्चन देखो इसको, कि इस ये श्रेणी दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 4 श्रेणी दी हुई है, AP है इसकी 3, 8, 13 और 18 इस तरह। इसने पूछा है कौन सा पद 78 है, मींस यहाँ पर कोई पद आएगा जिसका मान क्या है 78, वो कौन से नंबर पे है वो नहीं पता, मींस किसकी वैल्यू नहीं पता, n की, और किसकी पता है an की। तो an तो है 78, लेकिन ये an कौन से नंबर पे आएगा वो हमको नहीं पता है, तो मींस किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n की। उसके अलावा ये प्रथम पद 3 और सार्वंतर है इसका 8 − 3 = 5। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो वही फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूले के अलावा कुछ और यूज़ नहीं होगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो देखो an की वैल्यू अब की बार पता है हमको 78 है, बराबर a की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू नहीं पता, तो n माइनस 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे, और d की वैल्यू भी पता है कितनी है 5। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इसको, ये 78 = 3, इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ से, तो ये हो गए 5n − 5। ठीक है, इस 3 को ले जाएंगे इधर, और ये चाहे इसको ऐड कर सकते हैं पहले, तो ये 78, ये 3 − 5 बचेगा −2, ये 3 प्लस का है और 5 माइनस का है, माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए चिन्ह माइनस का, +5n। अब इस −2 को ले आएंगे इधर, तो ये 78 ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर 5n। ठीक है, ये ऐड हो जाएंगे, ये हो गए 80
बराबर 5n, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज n बराबर, ये डिवाइड हो जाएगा इससे, ये मल्टीप्लाई में है 80/5, तो डिवाइड करेंगे इसको, तो इट इम्प्लाइज n बराबर ये एक बार और फिर 6 बार, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 16, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम टू सेम जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है, देखो क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा है कि इसका कौन सा पद 78 है, ऐसे ही सेम टू सेम इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो सेम लिखने का तरीका अलग है, बाकी क्वेश्चन सेम है कि कितने पद हैं। कितने पद का मतलब है कि यहाँ से ये 205 जो लिखा है ये कौन से नंबर का पद है। तो यहाँ पर भी क्या करना है हमको, n की वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों क्वेश्चंस में, कि पहला पद दिया हुआ है सार्वान्तर, हम दूसरे में से पहले को घटा के निकाल लेंगे, और ये हमको लास्ट वाला पद दिया है, मीन्स किसका मान, an का मान, जो हमने अभी जस्ट इस क्वेश्चन में सॉल्व किया है। तो सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका, वो है क्वेश्चन नंबर 7। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, ठीक है। तीन कथन है, एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट है और दो हमको क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट है। देखो कैसे, क्या पूछा है, 31वां पद ज्ञात कीजिए, मींस किसका मान निकालना है। देखो लिखेंगे पहले क्या क्या हमको दिया हुआ है और क्या क्या हमको निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक तो 11वां पद दिया हुआ है, 11वां मींस ए 11 बराबर दिया हुआ है 38 और ए 16 बराबर दिया हुआ है 73, ठीक है। हमसे पूछा है ए 31 का मान, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 11वां पद है 38, 16वां पद है 73 और 31वां पद हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अब हम एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, किसका, an का। तो पहले तो वो फॉर्मूला लिख लेते हैं कि ये फॉर्मूला है। अब हमको जो पहले से दिया हुआ है पहले उनके मान रखेंगे हम, बाद में जो हमको निकालना है उसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हमको दिया हुआ है a 11, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ये 11-1, तो 11-1 इंटू डी लिख सकते हैं इस तरह से। ये a 11 का मान 38 दिया हुआ है, ठीक है। तो n का मान, n की जगह क्या लिखा हुआ है, 11, तो यहाँ पे इसका मान तो हो गया 38 बराबर a प्लस 10d। तो इस समीकरण को थोड़ा व्यवस्थित लिखेंगे कि एक समीकरण मिल गई हमको कैसी, a प्लस 10d बराबर कितना है 38। तो ये समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम सेकंड स्टेटमेंट से समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। देखो कैसे, इसको कैसे लिख सकते हैं, a 16 बराबर a प्लस 16-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले में वापस मान रख दिया हमने, ठीक है। देखो अब इसका मान तो हो गया 73 बराबर a प्लस 15d। तो इसको भी सिस्टमेटिक लिखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी a प्लस 15d बराबर 73। तो ये इक्वेशन बनी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 2 बन गई। अब हमको क्या करना है, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। तो देखो अब दो वेरिएबल हैं फिलहाल हमारे पास इस इक्वेशन में, दो में, एक है a और एक है d। तो एक साथ तो हम दोनों के मान निकाल नहीं सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक का मान निकालना है। तो उसके लिए हमको एक को हटाना पड़ेगा। अब हटेगा कैसे, देखो ये समीकरण नंबर 2, इसमें से हम घटा देंगे समीकरण नंबर 1 को।
समीकरण, दो में से समीकरण एक को, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घट जाएगी, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घट जाएगी। देखो कैसे, ये है a प्लस 15d, इसमें से हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड घटाएंगे तो ये बन गई माइनस a प्लस 10d। दो पद हैं इसलिए एक बार के लिए हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड में 73 और इसके राइट हैंड साइड में है 38। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट हटाते हैं इसका। ब्रैकेट हटाएंगे तो ये a प्लस 15d माइनस a माइनस 10d। देखो ये माइनस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो कितने बचे, ये बचे 5 और ये 6 में से 3 गए तो बचे 3। अब इसको देखो, ये a है, ये a प्लस का और ये a माइनस का। ठीक है, एक a प्लस का है और एक a माइनस का है, तो इस a से ये a हो जाएगा कैंसिल। तो बचा क्या, ये 15d और ये माइनस के 10d, ये बचेंगे यहाँ पर। 15 में से 10 गए तो बचे 5d, तो 5d बराबर कितना, 35। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज डी बराबर 35, ये भाग में चला जाएगा इधर आके, तो आंसर आएगा 7। मीन्स किसका मान आ गया अब हमारे पास, डी का। तो डी का मान आ गया कितना, डी बराबर 7। ठीक है, इस डी का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व करेंगे, देखो डी का मान रखेंगे, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, ए प्लस 10d, तो 10 और डी का मान आ गया 7 बराबर 38। ठीक है, तो ए प्लस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो ये आ जाएंगे 70 बराबर 38। तो ए बराबर क्या आ गया, 38 माइनस 70, तो आंसर आया ए बराबर ये आ गया 32 माइनस का। तो ये किसका मान आ गया, ए का और डी का। तो देखो ये वैल्यू आ गई, अब हमको निकालना है ए 31 यानी कि 31वें पद का मान। 31वें पद का मान फॉर्मूला लगा देंगे हम, वही ए एन वाला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान क्या है अब, 31, तो एन की जगह हमने लिख दिया 31 माइनस डी। ये 31 माइनस डी वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू हमारे पास माइनस 32 आ गई और डी की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, वैल्यू रख देंगे दोनों, वैल्यू रखेंगे तो ये 31 में से एक गया, 30 बचा, ये माइनस 32, इसको गुना करेंगे पहले तो ये आ गए प्लस के 210, 210 में से 32 घटाएंगे तो आंसर आ गया 178। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस का क्या फॉर्मूला है कि सब क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज को चेंज किया हुआ है, लैंग्वेज को चेंज करके और हमसे इन चार पांच पदों में से कोई ना कोई सा एक पूछा है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे, इससे आगे के भी और सॉल्व कर लेंगे, एक बार इसको नोट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।